भारत में घूमने के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं, यहाँ हर राज्य में इतिहास से जुड़ी कई ऐसी बातें, स्मारक, किले आदि हैं जो घूमने के लिए बहुत खास है। परंतु भारत में कई जगह ऐसी भी है जहाँ कोई नहीं आता है। नमस्कार, मैं रुचि आपका स्वागत करती हूँ जन संदेश टाइम्स में। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ कुछ हॉरर स्टोरी के साथ। हम बात कर रहे हैं भारत में कुछ ऐसी जगहों की जहां कोई नहीं जाता है। ये जगह भूतिया और बहुत ही खौफनाक भी है, इसलिए यहां लोग जाने से डरते हैं। ऐसा डर जो भुलाई नहीं भूलता, ऐसा डर जो हमेशा के लिए जहन में रह जाता है। और इन जगहों को भूतिया जगहें या हॉन्टेड प्लेस का नाम मिल जाता है। आज हम आपको ऐसी ही जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कहानी सुन आपके अंदर भी खौफ पैदा हो जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं असम में जतिंगा घाटी के बारे में, जिसे पक्षियों का सुसाइड पॉइंट भी कहा जाता है। वैसे तो असम की ढेरों खासियत है, लोग यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन ढेरों खासियत के बीच यहाँ कई बातें काफी रहस्यमयी भी हैं, जैसे पक्षियों की खुदकुशी। अब ये बात सुनकर आप थोड़ा सहम गए होंगे, हैरान हो गए होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जतिंगा घाटी की। यहाँ हर साल हजारों की संख्या में पक्षी एक ही जगह जमा होकर आत्महत्या कर लेते हैं। असम की जतिंगा घाटी जो देखने में बहुत सुंदर और मनोरम दृश्यों से भरपूर है, लेकिन सितंबर के महीने में आने वाली हर अमावस की रात को यहाँ भारी संख्या में रहस्यमय रूप से पक्षी मर जाते हैं। ये पक्षी प्रवासी होते हैं, लेकिन यहाँ से कभी वापस नहीं जाते। इन पक्षियों का यहाँ आकर मरने के पीछे का कारण आज तक किसी को पता नहीं चला है। इस घाटी को पक्षियों का सुसाइड पॉइंट भी कहा जाता है। जतिंगा घाटी को इसी कारण से काफी रहस्यमयी भी माना जाता है। वैसे इंसानों में ये प्रवृत्ति ज्यादा आम है, ऐसा सुनने को मिलता है कि इंसान सुसाइड करते हैं, लेकिन पक्षियों के मामले में ये बात अलग हो जाती है। पक्षी होने के कारण वे जाहिर है कि इमारत से कूदकर तो जान दे नहीं सकते, लेकिन वे तेजी से उड़ते हुए इमारतों या ऊंचे पेड़ों से जानबूझकर टकरा जाते हैं और तुरंत उनकी मौत हो जाती है। ऐसा इक्को दुक्के नहीं, बल्कि सितंबर के समय हर साल हजारों पक्षियों के साथ होता है। इस बारे में वैज्ञानिकों ने काफी पड़ताल करने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है जो एक खास मौसम में और एक खास जगह पर पक्षियों को ऐसा करने के लिए उकसाती है। लेकिन अब तक पक्षियों की खुदकुशी की वजह या फिर से रोकने का कोई तरीका नहीं मिल सका है। ये बात शायद आपको जो हमने अभी बताई है पहले ना बता रही हो, लेकिन आपको ये कहानी सुनने के बाद आप थोड़ा रहस्यमयी हो गए होंगे। आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई में ऐसा होता है या फिर ये एक सिर्फ कहानी है। तो हम आपको बता दें कि ये सच्ची घटना है। सितंबर माह में हजारों की संख्या में पक्षी आते हैं, लेकिन वो वापस नहीं जाते हैं। इस कहानी के पीछे कई रहस्य हैं। पता करने की कोशिश की जाती है कि आखिर क्या वजह है पक्षियों के मरने की, लेकिन आज तक इसकी वजह सामने नहीं आ सकी है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। ऐसी ही और तमाम रहस्यमयी और दिलचस्प कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन संदेश टाइम्स।